हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई जुमित यार। स्वागत है आपका फिर से आज के एक और नए वीडियो में। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने गेम प्ले मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो भैया टॉप 50 के अंदर आ चुके यार, बहुत जल्दी यार टॉप 20 के लिए पुश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो भैया हम किस तरीके से सर्वाइव वगैरह करते हैं, तो ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यार मिलते हैं छोटे से इंट्रो बाद और आपको बताता हूं सारा कुछ कि हम किस तरीके से गेम प्ले करते हैं। तो अमन भाई इंट्रो लगाओ। अरे तू जा रही तो भाई छोटे से इंट्रो के बाद स्वागत है यार आप सभी का फिर से। तो हम उतरने वाले हैं यार, कहाँ पे उतरेंगे? संतोषा पे। तो ऑलवेज हम संतोषा पे ही उतरते हैं। तो यार मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी वाली प्लेस पे उतरते हो ऑलवेज, है ना। तो हम तो ऑलवेज संतोषा पे ही उतरते हैं। तो अगर प्लेन वगैरह इधर उधर से जाता है तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जहाँ तक होता है तो यार हम संतोषा पे ही उतरते हैं और यहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्वाइव करते हैं ना। तो यार आधा तो लूप में ही सर्वाइव कर लेते हैं। तो भाई हम उतरते हैं यार, सबसे पहले तो देखेंगे यार नीचे वाली साइड पर उतरेंगे, मतलब यार इधर झोपड़ी वाली साइड। तो यार यहाँ पे भी एक बंदे की अच्छी खासी लूट मिल जाती है, ग्लू वॉल वगैरह भी मिल जाती है ना। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, SKS है, एक हेलमेट है, एक लेवल। चलो यार चलते यार आगे की साइड देखते हैं यार। यहाँ पे आगे की साइड ग्लूवल वगैरह देखेंगे यार, क्योंकि ग्लूवल काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे दो मेडिकेट मिल चुकी है हमको, तो देखते हैं आगे क्या मिलेगा, क्योंकि यार इन झोपड़ियों में काफ़ी ज़्यादा टाइम पे ग्लूवल। ओ भाई ग्लूवल मिल गई, स्कार मिल गई। तो भाई हमारे पास क्यूपिड स्कार जो कि खत्म हो चुकी है, तो हमारे पास है ब्लड मून स्कार, क्या नाम है इसका, ब्लड मून ही है शायद से। तो यहाँ पे एक मेडिकेट और मिल चुकी है और ये ARM कुछ उठा लेते हैं यहाँ से। तो भाई आगे की साइड निकलते हैं। तो यार थोड़ा सा वीडियो को मैं स्किप भी कर दिया करूंगा, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे MP40 मिल चुकी है। तो भाई अगर आपको गेम में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्वाइव करना है, मतलब यार काफ़ी लास्ट सर्कल तक गेम को ले जाना है, तो यार आपको थोड़ी सी लूट करने के बाद, ग्लू वॉल वगैरह मेडिकेट उठाने के बाद में यार बैठ जाना है एक जगह पर। तो यार हमने यार थोड़ी सी लूट कर ली यहाँ पे, तो यार बंदे आ चुके थे, तो यार उन बंदों को मारने के लिए मैं जा रहा हूँ ना। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूँ मैं, मतलब दो बंदे हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं और प्रियांश भाई और मैं थोड़ा पीछे थे ना, जैसे कि हर बार की तरह हम रहते हैं थोड़ा सा पीछे रहते हैं। और हमारे जो दो बंदे थे जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनको आप जानते होंगे अगले वीडियो में, वो एलिमिनेट हो चुके थे। तो भाई ओपी वाला डैमेज बंदे को जा रहा है, तो यार उन्होंने दो बंदों को सूद दिया, तो हम जाते हैं यार, क्योंकि यार हमको भी किल की ज़रूरत है ना, तो किल के बिना हमारा प्लस नहीं होता है। तो भैया अगर आप डुओ वगैरह खेल रहे हो तो यार ऑयल कैन, ऑयल ड्रम फोड़ के डैमेज वगैरह ले सकते हो, जैसे कि हम लेंगे आगे वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे बंदे दो बंदे, ओ भाई ओपी हेडशॉट यार, भाई बंदा खत्म। ओ भाई मारो इसे, नहीं मेरे को मत मारो, इसे मारो। तो यहाँ पे ओ भाई AWM ओपी यार, AWM मिल चुकी है भाई साहब। अब मारेंगे सबको हेडशॉट ओम से, है ना, मतलब हेडशॉट मारते तो नहीं आते लेकिन ट्राई करेंगे। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से, ओम उठा लेते हैं अपन, और यहाँ से ग्लूवल भी मिल चुके हैं हमको। तो निकलते हैं यार आगे की साइड और देखेंगे यार कहीं पे कैंपिंग करेंगे, मतलब बोले तो सर्वाइव करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम पे हम सर्वाइव करते हैं और यहाँ से लूट करने के बाद अगर लूट हो जाती है जल्दी से, तो यार ड्रम वगैरह से डैमेज भी ले लेते हैं ना। तो हमारा यार ड्रम वगैरह देखते हैं यार यहाँ पे, तो ड्रम वगैरह से हमने डैमेज ले लिया, हमारे पार्टनर्स को डैमेज दिला दिया। तो आगे की साइड निकलते हैं जहाँ पे मार्स पे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ फटाक से और निकलते हैं। यहाँ पे जिप लाइन पे से आ चुके हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, फोरग्रिप है यार, इसको फेंक देते हैं। ओ भाई, और यहाँ पे यार क्या बोलते हैं इसको यार, इनहेलर, तो इनहेलर भी आप रख लिया करो यार ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करके, क्योंकि यार जोन में काफ़ी ज़्यादा टाइम पे काम में आते हैं ना इनहेलर, क्योंकि इनहेलर से क्या होता है कि यार आपको EP मिल जाती है, और EP जोन में अगर आप भागते रहते हो तो जोन में ज़्यादा काम में आती है, आपकी EP जाती है फर्स्ट जोन में और SP नहीं जाती है ना। तो यार यहाँ पे ड्रम से हम लेंगे सबसे पहले तो डैमेज, क्योंकि यार हो सकता है यार लास्ट तक बंदे रहे और हमारा किल वगैरह ना हो, तो हमारे को अच्छा खासा प्लस मिल जाए, बोले तो अच्छा खासा बोल रहा हूँ 10+ सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं यार, ऑयल कैन मिल चुका है, यहाँ पे लेते हैं डैमेज हमारे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, डॉक्टर भाई वहाँ पे जाओ, अब हमारा अब आपका इलाज होगा। अरे ये क्या हो रहा, फूट क्यों नहीं रही है, क्या हो रहा भाई? ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, चलो यार इनको फोड़ते। ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, ये दीवार टूटी क्यों नहीं है यार, ओम से नहीं फूट रहा। अरे भाई भाई साहब ये तो सख्त ड्रम था भाई साहब, इतनी देर से फूटा, ज़्यादा सख्त ड्रम था, तो यार इसको हमने फोड़ दिया ओम की 3-4 AMO में। तो भाई बहुत ज़्यादा AMO ले ली इसने ना, तो इससे पैसे लेना पड़ेगा। तो भाई चलते यार आगे, और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि यार इस ट्रिक का कौन कौन यूज़ करता है। भाई यहाँ पे वेस्ट जो कि हमने डॉक्टर भाई का ले लिया था, तो वो रो रहे थे, तो उनको हमने वापस दे दिया। अब हमारा 2 लेवल का हेलमेट, ओ 2-3 लेवल का हेलमेट और 2 लेवल का वेस्ट उठा के आगे की साइड निकलते हैं, यहाँ पे जोन आ चुका है। तो भाई इस तरीके से आप यहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हो जोन के कोने में भी। ओ भाई साहब उधर देख लो यार, बंदे एकदम धड़ाधड़ डैमेज ले रहे हैं ना,
तो कौन कौन इस ट्रिक का यूज करता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, हमारे बंदे तो ऑलवेज करते हैं, तो सच्ची सच्ची बताना है इस ट्रिक का यूज कौन कौन करता है ना, हम तो ऑलवेज करते हैं भाइयों। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं यार, यहाँ पे आप काफी ज्यादा टाइम पे सर्वाइव कर सकते हो इस साइड पे, मतलब बोले तो जोन के कॉर्नर की साइड है ना, क्योंकि यार हम तो ऐसा ही करते हैं काफी ज्यादा टाइम पे कॉर्नर पे ही रहते हैं, और एक साइड से रहने में काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक साइड से रहने में यार कोई भी बंदा हमारे पीछे से नहीं आ सकता, ओनली बंदे सामने से आते हैं, क्योंकि एक साइड पे रहेंगे तो बंदे सामने से ही आएंगे और ना कि पीछे से। तो भाई वहाँ पे बंदा देख लो, ओ भाई साहब यार ये कहाँ छुपा था, पबजी का प्रो प्लेयर यहाँ कैसे है यार तू भाई, भाई साहब मैं इनको बता भी नहीं सकता कि वहाँ पे मैंने बंदा देखा है। अरे भाई ये डॉक्टर भाई देख लेंगे तो सूद देंगे यार। अरे भाई साहब बंदा, अरे भाई थोड़ा सा तो कवर छोड़, ये तो कवर ही नहीं छोड़ रहा। अरे भाई डॉक्टर भाई ने देख लिया, अरे भाई ये सूद देगा ये बंदा यार। अरे भाई मार दिया मेरे को लगता है, ये बड़ा किल चोर है भाई साहब, इसको संभल के। अरे भाई एक बंदा कौन उधर से मार रहा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे प्रो प्लेयर पबजी के भाई कैसा मारा देखा। तो भाई अपने को ओम चलाना नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई मेरे को ओम चलाना आता है या नहीं आता। तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं आगे की साइड, एक बंदा वहाँ पे डाउन पड़ा है, बोले तो किल कर दिया है हमने उसको। तो यहाँ से आगे की साइड निकलते हैं, बोले तो कॉर्नर की साइड से है ना, तो आप भी इस तरीके से यार जोन के कॉर्नर कॉर्नर खेल सकते हो, क्योंकि अगर आपके एक दो किल हो जाते हैं तो यार एकदम जोन के साइड में हो जाया करो, एकदम कॉर्नर कॉर्नर से खेल सकते हो ना आप भी। तो जिस तरीके से हमारे दो प्रो प्लेयर आगे की साइड जा रहे हैं, उस तरीके से हम भी जा रहे हैं जोन में कॉर्नर से एकदम, क्योंकि यार बंदे उस साइड पे है, आगे की साइड पे बंदे हो सकते हैं, और अगर वो मार दिया हमको तो भाई बहुत गंदा वाला बोले तो माइनस लग जाएगा, डैमेज बोल रहा हूँ माइनस लग जाएगा। तो चलो यार आगे की साइड चलते हैं, हमारे दो प्रो प्लेयर जा चुके हैं आगे की साइड, हम देखते हैं यार यहाँ पे कोई मिलता है तो उसको एक ओम का फटका मार के निकलेंगे, बट कोई नहीं दिख रहा। तो यार निकलते हैं घर की साइड पे, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा यार। तो हमारे दो प्रो प्लेयर जा चुके हैं जो कि प्रियांश भाई और गौरव भाई, एकदम ओपी, बहुत ही जल्दी जाते हैं यार ये प्रो प्लेयर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और किल भी बहुत गंदे वाले चोरते हैं ना, जो कि प्रियांश भाई हमारे बहुत गंदा किल चोरते हैं, तो भाई इनके साथ में मत खेलना अगर आपको मिले भी तो। देखते हैं यार बंदे आगे की साइड, उस साइड पे बंदे भाई, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। तो भाई आप भी इस तरीके से थोड़ा सा वेट कर लिया करो, अगर आपको लगता है कि बंदे आगे की साइड है भाई उधर बंदे, ओ भाई बंदा आ रहा, अरे ओपी वाला यार उसको लगा भाई, अरे भाग गया यार। अरे इस तरीके से बंदे भाग भी जाते हैं यार भाई, तो हम छोड़ देते हैं ना, क्योंकि हम बहुत दयावान हैं ना। यही तो जुर्म है ना मेरा, तो छोड़ दिया हमने उसको, जाने दिया। बाकी हमारे प्रियांश भाई नहीं छोड़ते और डॉक्टर स्ट्रेंज भाई भी नहीं छोड़ते, बहुत गंदा वाला मारते हैं ना। तो यहाँ से देखते हैं यार क्या है, बंदे तो नहीं दिख रहे, हवेली की साइड पे बंदे हैं, तो भाई यहाँ से भी जोन में निकलना पड़ेगा। ओपी वाला यार सर्कल भी एकदम ओपी वाला बन रहा, तो भाई एकदम कॉर्नर की साइड से निकलते हैं यहाँ से जोन में, क्योंकि यार बंदे अभी अलाई हुए, अगर यहाँ पे अभी किल हो जाते हैं तो भाई बहुत गंदा वाला डैमेज, वो बहुत गंदे वाला माइनस लगेगा, डैमेज बोल देता हूँ यार, बहुत गंदे वाला माइनस लगेगा, डैमेज क्यों बोल देता हूँ मैं यार। तो निकलते, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अरे भाई साहब ये मेरा कैरेक्टर भी आलोक दादा भी यार अडम जैसी हरकतें क्यों करता है यार, आलोक है उसके बाद भी अडम जैसी हरकतें करता है। तो चलो यार जोन के कॉर्नर से निकलते एकदम, तो भाई आप भी ट्रिक का यूज कर सकते हो यार, एकदम जोन के कॉर्नर से खेल सकते हो, एकदम ओपी वाला सर्वाइव कर सकते हो ना। तब सर्कल यार एकदम सेंटर में बना, तो यार अब हमको जाना पड़ेगा यार, अब बहुत हो गया कॉर्नर से, तो यार आपको जाना पड़ेगा अब क्लॉक टावर पे है ना। तो क्लॉक टावर पे निकलते हैं यहाँ से, क्लॉक टावर पे सीधा निकलेंगे और क्लॉक टावर पे देखेंगे यार बंदे वगैरह किधर है। तो भाई फैक्ट्री साइड जोन बना है, मतलब क्लॉक टावर पे है, तो क्लॉक टावर पे जाके अभी तो यार थोड़ा सा वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं ना। तो क्लॉक टावर पे देखते हैं, अगर बंदे ना हो तो अच्छी बात है, और बंदे हो तो फिर यार फाइट लेना पड़ेगा। वो भाई स्ट्रेंज भाई कहाँ जा रहे हो यार, स्ट्रेंज भाई बहुत आगे आगे जा रहे हैं भाई, जाना है अगर पिट गए ना अगली बार तो एलिमिनेट हो गए, तो इस बार पिट गए तो मजे ही आ जाएंगे, बोले तो इस बार तो गंदे वाला माइनस लगेगा है ना। तो देखते हैं यार यहाँ से इनहेलर उठा लेते हैं, क्योंकि इनहेलर ईपी देता है हमको। तो ऐसे निकलते यार आगे की साइड, अगर आगे बंदे होंगे तो भाई उनसे फाइट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो भाई सर्कल बहुत छोटा हो चुका है और बंदे भी काफ़ी ज़्यादा अलाइव है, तो यहाँ पे देखते क्या होता है अब है ना। वो भाई मेडिकेट पड़ी है, बंदे उधर फैक्ट्री वाली साइड भी बंदे, ओए भाई यहाँ पे भी बंदे, भाई साहब यहाँ पे बंदे, तो देखते हैं यार किस साइड पे बंदे। अरे भाई दो बंदे, ये खोपड़ी तोड़ ये बैठे, अरे भाई साहब क्या बैठे यार, अरे भाई क्या बैठे थे यार, बहुत ही तगड़ा वाला, मतलब यार उस साइड पे वो फाइट ले रहे थे और मैं इस साइड से आ गया, भाई साहब दिया दो बंदे हमारे आए ऊपर से। तो चलो यार इनको लूट लेते हैं, यहाँ पे क्या है इनके पास, ग्लूवल वगैरह होगी तो मजे आ जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा यार, इनके पास ग्लूवल थी नहीं, मतलब ये फाइट ले रहे थे कहीं। अरे भाई पीछे भी बंदा है,
अरे एक बंदा पीछे उस वाले घर पे शायद, मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं उधर की साइड है, पीछे की साइड। अरे प्रियांश के साइड है बंदा। चलो प्रियांश की साइड चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अरे भाई क्या मारते हो यार प्रियांश भाई, सूद दिया। अरे भाई यहाँ पे ग्लूवल कितने सारे भाई साहब। यार आखिरी में तुम्हारे भाई को बहुत सारे ग्लूवल मिल जाते हैं ना, तो भाई आपको जहाँ पे ग्लूवल मिलते हैं वहाँ से समेट लिया करो, क्योंकि ग्लूवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, ग्लूवल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यार जहाँ पे भी ग्लूवल मिले वहाँ से समेट लिया करो। मैं तो हर जगह से ग्लूवल उठा लेता हूँ, तो आपको भी जिस जगह पे ग्लूवल मिलते हैं वहाँ से उठा लिया करो फटाफट से। अरे भाई पीछे भी बंदा। अरे भाई साहब क्या मार रहा है, अरे अभी भी मार रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे भाई किधर से मार रहा है यार, साइलेंसर लगा के एकदम ओपी वाला मार रहा है यार, ये किधर है बंदा, तो देखना पड़ेगा यार। पहले तो ग्लूवल को फोड़ते हैं, नहीं तो भाई अगर बंदे आसपास होंगे तो ग्रेनेड डाल के एकदम वहीं पे ख़त्म कर देंगे ओपी वाला। तो देखते हैं यहाँ से बंदे भाई, जोन भी उधर बना है फैक्ट्री साइड। अरे एक बंदा जा रहा प्रियांश, उधर बंदा जा रहा। अरे भाई क्या MP40 निकाल ली। अरे भाई यार ये बंदे एक शॉट के बाद एकदम ओपी वाला कवर लगा लेते यार। अरे वो जा रहा जा रहा जा रहा प्रियांश भाई, जा रहा जा रहा। अरे भाई शॉट लगा उसको, क्या छोड़ते हो यार तुम, किल छोड़ते हो यार तुम्हारे भाई का। यार मैं ओम चलाता हूँ तो यार अलवाइस मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो यार किस बंदे के साथ ओम चलाते टाइम अलवाइस ऐसा ही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई टॉप 3, ओ भाई साहब एक स्क्वाड इधर से आ रही। अरे भाई क्या बंदे सर्वाइव कर रहे एकदम ओपी वाला। भाई बंदा डाउन है, डाउन है, डाउन बंदा डाउन। तो एक बंदा वहाँ पे और है पत्थर के पीछे, एक बंदा और है पत्थर के पीछे, एक बंदा और है। तो देखते हैं और उस पर चलो यार रश करते, क्योंकि यार दो बंदे डाउन है, एक बंदा वहाँ पे। अरे दो बंदे, दो एक नहीं दो बंदे। अरे भाई साहब यार बंदे बहुत तगड़े वाला सर्वाइव कर रहे यार। चलो यार डॉक्टर भाई ने एक तो डाउन कर दिया, तो देखते हैं वहाँ पे। अरे भाई साहब ये डॉक्टर भाई बहुत गंदा वाला मारते यार, मार दिया बंदों को, एक ही बंदा बचा, एक ही बंदा। तो किस साइड पे भाई साहब, बंदा टावर पे छुप के बैठा है। तो चलो यार उस पर बहुत तगड़ा वाला रश करेंगे गंदा वाला, तो देखते। अरे भाई गौरव भाई ने यार मतलब इतनी जल्दी उसको मारा, बेचारे को समझ भी नहीं पड़ने दिया, एकदम भूया हो चुका है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे हो चुका है हमारा 10+, जो कि हर बार 10+ होता है, तो जो कि बहुत ही गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, कम से कम 50+ तो होना चाहिए। तो चलो यार भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और जिसने यार अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिसने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। रुको जरा सबर करो भाई, जो बंदे यार चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा उसको भी उल्टे सेट कर देना। तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।